सो कैसे भाइयों एंड क्या हाल है आपके, उम्मीद करो बढ़े होंगे। और सभी का रैंक पुश अभी के लिए थोड़ा सा खराब चल रहा होगा क्योंकि ये वाला मोड है ही ऐसा, सबका रैंक पुश यहाँ पे ज़्यादातर खराब ही चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे डीमोटिवेट हो रहे हैं। और कॉन्करर से जिस बंदों का यहाँ पे कॉन्करर होने वाला है भाई, वो भी यहाँ पे क्विट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट भाई कर रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही हार्ड हो चुका है कॉन्करर लगाना। तो टेंशन मतलब तुम्हारा भाई है ना, आज तो मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप इजी वे में कॉन्करर यहाँ पे लगा सकते हो। और भाई सबसे मेन चीज़ यहाँ पे खेलना कैसे है और हार्ड लॉबी में आपको सर्वाइव कैसे करना है और यहाँ पे किल्स कैसे निकालने हैं, जो सबसे जरूरी चीज़ है जिससे कि यहाँ पे हमको ज़्यादा प्लस मिलता है, ठीक है। तो सब कुछ बताऊँगा, टेंशन मत लो, बस ये वाले वीडियो पूरा देखना है इसीलिए बोल रहा हूँ। और भाई हाँ, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे इतना बड़ा वीडियो है भी नहीं कि आप देखना पाओ, ठीक है, 10 मिनट का ही वीडियो है ओनली। और भाई यहाँ पे यूट्यूबर काफ़ी 14-15 मिनट का वीडियो डालते हैं तो उनको तो आप देखते हो, जो कि यहाँ पे वेस्ट होता है आपका टाइम। तो ये 10 मिनट की वीडियो देखना पूरा, कोई वेस्ट टाइम नहीं होने वाला और यहाँ पे सब कुछ आपकी समझ में आने वाला है और पूरा क्लियरली मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, बस वीडियो मिस मत करना कहीं से भी। बाकी तो तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ पे सही तरीके से समझाई देगा कि खेलना कैसे है यहाँ पे हार्ड लॉबी के अंदर और सर्वाइव कहाँ पे करना है, एच बे की सेंटर में, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। और भाई यहाँ पे अच्छे किल्स कैसे निकालने हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे बात करें गेम प्ले की, तो यहाँ पे मेरे 3 किल निकल चुके थे और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बंदे बचे थे और अभी मेरे को पता था कि अभी मैं बाहर जाऊँगा तो यहाँ पे पहला जाऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लोकेशन कोई आइडिया नहीं था मेरे को, कहाँ पे बंदा हो सकता है कहाँ पे नहीं हो सकता। और अभी के लिए मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ या कैंप करता हूँ बोल सकते हो आप। बाकी तो अभी यहाँ पे होल्ड ही कर रहा था तभी मेरे को साउंड आता है और यहाँ पे मैं सोचता हूँ थोड़ा नेट पिन करा जाए, बट यहाँ पे बंदा अभी के लिए दूर चला जाता है तो मैं अभी के लिए यहाँ पे बैठ जाता हूँ वापस से। और तभी मेरे को दोबारा से साउंड आता है और अभी मैं यहाँ पे नेट पिन करता हूँ और अभी देखना भाई तुम। भाई एडजस्ट बंदा वहीं पे था बट पता नहीं बंदा कैसे नहीं फूटा, बट अभी के लिए तो यहाँ पे बंदा बच गया था तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे रश करें। और अभी देखना भाई यूजी कितनी हगती है और कितनी गंदी गन है, देखो एक बार। भाई एक बार स्लो मोशन में करके देख लो आप यहाँ पे इसके बंदे के यहाँ पे कितना यूजी का गोलियां लगे हैं। और भाई मेरी यूजी में यहाँ पे 35 एमओ था और 5-6 एमओ ही रह गया था और तब भी भाई ये बंदा नहीं मरा। और भाई देख रहे हो भाई यूजी कितनी खत्म गन है, तो भाई आगे से यूजी तो मैं नहीं उठाने वाला कभी भी, बाकी मिलेगी तो फेंक दूंगा भाई, चक्कू से लड़ लूंगा, बट भाई कभी भी यहाँ पे यूजी नहीं उठाने वाला क्योंकि बहुत ही गंदी गन है मेरे भाई, ठीक है। और अभी मैं वहां से तो मर गया था, तभी मैं यहाँ पे सर्वेंडे आता हूँ और अभी यहीं पे होल्ड करता हूँ ताकि कोई बंदा हो तो मैं स्पॉट कर लूँ इजिली और मार सकूँ, बट यहाँ पे कोई था नहीं तो लूट वगैरह करते हैं। और अभी अपने को यहाँ से कॉइन भी मिल गया था तो ये वाली अच्छी बात थी, मेरे को पता था यहाँ से लेवल 3 की सामान मिल जाएगा और एक गन भी मिल जाएगी, तो देखो अभी इसके अंदर से क्या मिलता है मेरे को यहाँ पे। और हाँ भाई मेरे को काफी सारे कमेंट आते हैं कि भाई प्लेटिनम पे हूँ क्या कॉन्करर सीजन लगा पाऊंगा, डायमंड पे हूँ क्या सीजन कॉन्करर लगा पाऊंगा, क्राउन पे हूँ क्या सीजन कॉन्करर लगा पाऊंगा। तो मेरे भाई अभी के लिए आप गोल्ड पे भी हो सिल्वर पे भी हो तो भी आपका कॉन्करर लग जाएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे सीजन जाने में 1 मंथ पूरा बचा है तो आप इजिली यहाँ पे कर सकते हो अपना कॉन्करर। अगर भाई 150-200 प्लस भी यहाँ पे डेली पॉइंट करोगे तो भी आपका इजिली पे लास्ट तक इजीली आपको कॉन्करर मिल जाएगा। बाकी मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं 2 आइडियो का यहाँ पे कॉन्करर पहले ही कर चुका हूँ, पैड पुश भाई ये मेरी मेन आइडिया है, इस पे मैं कॉन्करर लगा दूंगा। और हाँ भाई सबसे मेन चीज़ यहाँ पे, अगर तो भाई किसी को पैड पुश कराना है तो यहाँ पे मैंने पोस्ट डाल रखी है, वहाँ से आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और पैड पुश के लिए यहाँ पे बात कर सकते हो मेरे से, कितना खर्चा होगा क्या होगा। और भाई जो इस बंदों के भी यहाँ पे पैड पुश कराना है भाई पूरा ट्रस्टेड अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा ट्रस्ट आप कर सकते हो अपने भाई के ऊपर और यहाँ पे अपना पैड पुश करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मेरे से, मैंने नंबर दिया है वहाँ पे पोस्ट में डाल रखे है, तो हो सके तो भाई ट्राई करना, ठीक है। बाकी तो अभी के लिए यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स पे चले, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्करर यहां पे क्यों नहीं हो रहा है बंदों का और यहां पे काफी सारे बंदे क्यों क्विट कर रहे हैं कॉन्करर और भाई किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई गेम के अंदर एक तो ग्लीच इतने हैं और भाई यहां पे हैकर वगैरह भी अभी के लिए तो नहीं आए इतने, बट बहुत टाइम के लिए यहां पे बहुत टाइम बढ़ जाते हैं तो उनका भी कुछ नहीं कर सकते। और यहां पे अभी मैं क्या बताने वाला हूं कि आपको मेन चीज यहां पे खेलना कैसे है और यहां पे किल्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा भाई मैं इवेंट पे यहां पे 3 किल भी मारा गया था और अभी अपने को एक बोट भी मिल गया था तो 4 किल अपने हो गए थे। और अभी यहाँ पे बहुत छोटा जोन है और अभी भी यहाँ पे बंदे आप देख सकते हो 28 बंदे बचे हैं और देखना भाई इस वाले गेम में मैं यहाँ पे कितने किल करूंगा और मैं यहाँ पे कितनी अच्छी खासी प्लस लूंगा तो कैसे खेलूंगा सब कुछ देखना, ठीक है। तो बाकी तो अभी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम यहाँ पे पूरा वीडियो देखना आप और भाई कुछ भी मिस मत करना क्योंकि यहाँ से होता है भाई टिप्स एंड ट्रिक्स का गेम प्ले स्टार्ट, तो इस चीज को यहाँ पे बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पे तीसरे जोन बना था और अभी मेरे को पता था, अभी तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेकर खेल रहा था क्योंकि अभी डायमंड पे ही हूँ मैं, तो जल्दी अपना कोंकरा लगा लेंगे। बाकी तो अभी मैं सोचता हूँ यहाँ पे जोन में चला जाए क्योंकि अभी बहुत छोटा जोन हो गया था, और भाई जोन में भी जाना था तभी मेरे को ड्रॉप पे बंदा दिखता है। और अभी देखना भाई, हाँ भाई मैं आग दिया यहाँ पे अलग ही, बट कोई दिक्कत नहीं है, तभी मेरे को पीछे से पड़ती है। और अभी यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स चले, तो भाई यहाँ पे काफी सारे बंदे क्या गलती करते हैं, एज टू एज खेलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एज पे हूँ और मैं एज टू एज खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी है, आपको एज टू एज कभी नहीं खेलना है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कितने सारे बंदे एज पे होल्ड करते हैं और यहाँ पे कितने बंदे एज पे हैं अभी भी। तो आप समझ सकते हो भाई, अगर तो आप एज पे खेलोगे तो आपका यहाँ पे पूरा गेम बर्बाद हो जाएगा और आप यहाँ पे पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फोर्थ जोन है, आपने देख लिया होगा अभी। और बात करें यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे कैसे खेलना है, तो आपको यहाँ पे तीन जोन तक एज टू एज आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे यहाँ पे फोर्थ जोन बने तो हो सके तो भाई आपको सेंटर पकड़ना है, क्योंकि भाई आपको एज पे तो काफी सारे बंदे मिल जाएंगे, बट अगर तो आप सेंटर में जाओगे तो भाई कोई नहीं मिलेगा आपको सेंटर में, मेरे गारंटी है। देखना भी यहाँ पे गेम प्ले में आप कि यहाँ पे सेंटर पे कोई बंदा मिलता है या नहीं मिलता, खुद ही देख लेना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जोन के एज पे यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं, आपने देख लिए होंगे। और अभी मैं सीधे यहाँ पे सेंटर में आ गया जोन के उड़ के, और भाई देखो यहाँ पे अभी के लिए कोई नहीं है, बट अभी देखो एज पे आ गया मैं थोड़ा, तो यहाँ पे देखो मेरे को बंदा स्पॉट होता है। और अब देखना, तो भाई यहाँ पे आपने देख लिया होगा गेम प्ले में यहाँ पे एज पे कितने बंदे खेलते हैं, तो आपको एज पे नहीं खेलना है, हो सके तो भाई सेंटर पकड़ना है, क्योंकि भाई सेंटर में यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता, तो सेंटर टू सेंटर आप खेल सकते हो इजीली। और हाँ आप बोलोगे आप क्यों सेंटर यहाँ पे नहीं पकड़ रहे और आप एज टू एज क्यों खेल रहे हो, क्योंकि भाई अभी के लिए मेरे को किल चाहिए और मैं डायमंड पे हूँ, तो यहाँ पे किल निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैं इवेंट पे मरा था, तीन किल थे और अभी अपने पांच किल हो चुके हैं, और देखना भाई लास्ट में यहाँ पे कितने किल करूंगा। तो आपको किल कैसे निकालने हैं आप गेम प्ले देख के यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देखो भाई जैसे कि यहाँ पे सामने दो बंदों की फाइट हो रही है, और यहाँ पे मेरे को पता था अभी थर्ड पार्टी करने का बहुत अच्छा चांस है, तो देखना भाई यहाँ पे कैसे मारूंगा मैं इस बंदे को और यहाँ पे कैसे भरते हैं इसको। तो हो सके तो यहाँ पे लास्ट जोन में आप फाइट लेने का ट्राई मत किया करो। तो भाई मैं तो इसलिए फाइट ले रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ पे डायमंड पे है तो इसलिए ले रहा हूँ। बाकी तो अभी देखो थर्ड पार्टी कितने काम की होती है यहाँ पे, मेरे को पता था भाई बंदा वहाँ पे पेटी लूट रहा होगा बंदे की। और अभी देखा, तो यहाँ पे जैसे ही बंदे को मैं फाड़ता हूँ नेट से, तभी यहाँ पे बंदे पे पुश कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे मैं सैक होल्ड करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे रोटेशन देखना मेरी कैसे देता हूँ मैं, एंड कैसे आपको होल्ड करना है वो चीज भी आप देख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ट्राई करके, मतलब ये चीज यहाँ पे ट्राई करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और अभी आप कभी भी यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉन्क्वेरर लॉबी खेल रहे हो सोलो के अंदर, तो भाई आप ऐसे खेलने का यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आपने देखा भाई यहाँ पे अभी छह किल हो चुके हैं मेरे, और अभी भी यहाँ पे काफी सारे बंदे लाइव है, तो यहाँ पे मैं इजिली किल निकाल लूंगा, ठीक है। तभी मेरे को यहाँ पे नीचे से एक सैक दिखता है और अभी यहाँ पे बंदा भी दिखता है, तो यहाँ पे मैं सीधी ठोक देता हूँ। और अभी देखना भाई तुम, तो भाई यहाँ पे होप्सो बंदों के पास यहाँ पे शॉट गन थी, बट बच गए कैसे करने कैसे करके। और अभी यहाँ पे कैसे खेलना है वो मैंने आपको बता दिया, एज टू एज नहीं खेलना है, सेंटर में खेलना है, क्योंकि भाई अभी मैं डायमंड हूँ तो इसलिए एज टू एज खेल रहा हूँ, ठीक है, समझो इस बात को। और भाई आपको एज टू एज नहीं खेलना है, सेंटर में खेलना है। और बाकी किल वगैरह कैसे निकालना है ये भी आप गेम प्ले में देख सकते हो कैसे मैं किल निकाल रहा हूँ। और हाँ जो आपके पास से गाड़ी वाड़ी गुजरे तो हो सके तो भाई उस पर स्प्रे जरूर लिया करो, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे बंदे उतर ही जाते हैं गाड़ी से, कोई दिक्कत आती नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छी खासी प्लस भी लग जाती है आपकी। और हाँ लास्ट के जोन में यहाँ पे फाइट लेने का ट्राई किया करो, ऐसे नहीं कि भाई बैठे ही हैं और बैठे ही रहेंगे, बाहर निकलना कुछ नहीं करना, अगर हो सके दूर बंदे दिखे तो भाई उसको मारने का यहाँ पे ट्राई करा करो, ऐसे आप इजीली यहाँ पे किल निकाल सकते हो। तो भाई मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पे सोलो के अंदर क्लियर कर दिए कि आपको खेलना कैसे है और भाई यहाँ पे किल्स कैसे निकालने हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मेरे तीन किल थे शुरू में, और अभी मेरे 8 किल है और अभी 1 किलो और होने वाला है, तो देखो अब।
सो यहाँ पे अपना इजिली टॉप टू निकल गया था और अभी के लिए इस बंदे ने यहाँ पे मार दिया था मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे पता था यहाँ पे 9 किल पे टॉप टू पे बहुत अच्छी खासी प्लस मिलने वाली है। तो होप सो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे सोलो के अंदर क्लियर हो चुके होंगे और आपको खेलना कैसे है, यहाँ पे अच्छी खासी प्लस कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। और बाकी यहाँ पे काफी सारे बंदे कमेंट करते हैं गोल्ड पे हूँ उस पे हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, काय पे भी हो आपका इजिली यहाँ पे कॉन्करर लग जाएगा। बस आप दिन में यहाँ पे 100-150 प्लस डेली पॉइंट प्लस करो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो छोटा मोटा गोलू मोलू प्यारे भाई समझ के सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।